हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आदि। माई नेम इज आदित्य सिंह। टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेन, बिकॉज रेनी सीजन चल रहा है तो हम बात करेंगे आज रेन की। तो गाइज, वीडियो के एंड तक बने रहेगा, मैं आपको रेन से जुड़े सभी सेंटेंस बताऊंगा जो आप इस वक्त बोलते हैं। जो भी सेंटेंस आप बोलते हैं वो सेंटेंस मैं आपको बताने वाला हूँ इन इंग्लिश में। तो गाइज, वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, हमारे पास पहला सेंटेंस बनता है, आज मौसम कैसा है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ इज द वेदर टुडे, हाउ इज द वेदर टुडे। नेक्स्ट बनता है हमारे पास, बारिश कब होगी, व्हेन विल इट रेन, व्हेन विल इट रेन। अगला सेंटेंस बनेगा आपके पास, आज बारिश होने की संभावना है। इसके बाद बोलते हैं आप, तो इट इज लाइकली टू रेन, इट इज लाइकली टू रेन टुडे। इस तरह से आप बोलेंगे। उसके बाद बनता है, आज बरसात हो सकती है, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। अगला सेंटेंस क्या बनता है, आज बरसात हो रही है, मतलब बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग टुडे, इट्स रेनिंग टुडे। इस तरह से आप बोलेंगे। उसके बाद बोलेंगे, बाहर थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, उसको आप बोलेंगे इट्स लिटिल रेनी आउटसाइड, इट्स लिटिल रेनी आउटसाइड। इस तरह से आप बोलेंगे। फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस बोलेंगे आप, कल बारिश हुई थी, तो इसको बोलेंगे आप इट हैड रेन यस्टरडे, इट हैड रेन यस्टरडे। इस तरह से बोलेंगे आप। नेक्स्ट है, आज बरसात होएगी, तो इट विल रेन टुडे, इट विल रेन टुडे। आज बरसात बहुत जोर से होगी, तो इसको आप इंग्लिश बोलेंगे इट विल रेन हैवीली टुडे, इट विल रेन हैवीली टुडे। आज बरसात जोर से हो रही है, इट्स रेनिंग हैवीली टुडे, इट्स रेनिंग हैवीली टुडे। इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बोलते हैं अपन, क्या वहां बरसात हो रही होगी, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे विल इट बी रेनिंग देयर, विल इट बी रेनिंग देयर। उसके बाद बोलेंगे आप बोलते हैं कई बार, आज तो सुबह से बरसात हो रही है, इसको आप बोलेंगे इंग्लिश में इट्स हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट्स हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। जब आपको कहना हो कि बार बारिश बूंदाबांदी हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, तो आप बोलेंगे इट्स ड्रिजलिंग। क्या बोलेंगे आप, इट्स ड्रिजलिंग। और जब आप बोलेंगे बारिश रुक चुकी है, रुक गई है, तो आप बोलेंगे इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। इस तरह से आप बोलेंगे। और अब लास्ट वन आता है, जो आप बोलेंगे मैं बारिश में भीग गया हूँ, आप बोलेंगे आई गॉट सॉक्ड बाय द रेन, आई गॉट सॉक्ड बाय द रेन। तो फ्रेंड्स, एक idiom मैं आपको बताता हूँ बारिश से रिलेटेड, कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब होता है बहुत तेज बरसात, हैवीली से बहुत तेज बरसात। तो इसका यूज करेंगे आप इंग्लिश में सेंटेंस में, कैसे करेंगे, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बरसात बहुत तेज हो रही है, मूसलाधार, लाइक भूसलाधार बरसात हो रही है। इन दिन बोले तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ये आपको बताना था। और गाइज, एक इंपॉर्टेंट थिंग बता दूं मैं आपको, कि इन सभी सेंटेंस में इट का यूज हुआ है, बिकॉज इट का यूज आप वेदर के लिए करते हैं, तो जब भी वेदर का बात आती है तो आप इट का यूज करेंगे। तो सब जैसे कि रेन्स में देखा आपने, रेन में सभी जगह इट का यूज हुआ है, इट से सेंटेंस बने हैं, तो आप इट से सेंटेंस बनाइएगा इसका। और कोई सेंटेंस बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो गाइस, थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। एंड थैंक यू सो मच अगेन।